ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीसह गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। राधाकरावचितवल्लभवल्लरी के राधापदाङ्कविलस मधुरस्थलिके राधाङ्गजसमुखं कङ्गाम्बलिके राधाविहार विपिने रमताङ्ग मनोमे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बलहरी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। तुम उधर बैठो। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितिल्ला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला भ्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज बहुत बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज हमारे श्री आराध्या देवी श्रीमती राधा रानी की आज जन्म तिथि है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं हा देवी का को घर गद 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 बाचा जाचे निपत्य दंडवत उद्भटारती अस्य प्रसादात्मबुद्धस्य जनस्य कृत्वा गांधर्विके निजगणे गणनाम विदहि। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं हा देवी। हा देवी मतलब हे श्रीमती राधा रानी, अब की श्री चरण में हम पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं गदगद गदगद होकर के हैं। इसलिए अब का चरण में प्रणाम करते हैं। बोले क्या चाहते हो? बोले केवल हमें एक ही चीज़ दो, आपका जो रजिस्टर में आपका जो भक्तों का नाम है आपका जो सखियों का नाम है उसमें जो सबसे नीचे हमारा नाम लिख दो। हम कौन हैं? राधा रानी की सेविकाओं की सेविकाओं की सेविकाओं की हम सेविका है। आर यू अंडरस्टैंड? कहते हम क्या चाहते हैं? राधा रानी की दासियों की दासियों की दासियों की दासी बनना ही हमारी प्रार्थना है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं हम कल श्रवण कर रहे थे अगर आपको पूछा जाए कृष्ण आपके क्या लगते हैं, कहते कृष्ण को साथ में हमारे कोई डायरेक्ट कोई संबंध नहीं, हमारा जो डायरेक्ट संबंध श्री राधा रानी से। इसलिए कृष्ण का साथ में संबंध है चूंकि
श्री श्याम सुंदर राधा रानी की प्राण प्यारे लगते हैं, उनके श्री प्रियतम लगते हैं, इसलिए संबंध है। लेकिन हमारा जो डायरेक्ट संबंध है श्रीमती राधा रानी से, हमारी श्री डायरेक्ट संबंध है, हैं? अगर कृष्ण हमें पूछेंगे तुम्हें चाहिए क्या, कृष्ण अगर बोलेंगे हमसे कोई वर ले लो, फिर हम कृष्ण से क्या मांगेंगे। इसलिए गुरुदेव कहते थे, बोले श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मिर हास मुरली मनोहर राधिका कृपा निधे सुप्रिया चरण किंकरि कुरु। अगर कृष्ण हमें पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए, हम एक चीज चाहेंगे कृष्ण से, बोले हे श्याम सुंदर, हे शिखंड शेखर, हे स्मिर हास, हे मुरली मनोहर राधिका कृपा निधे हैं सुप्रिया चरण किंकरम कुरु। अगर आप भी देना चाहते हैं ना, आपका प्रिया जो श्रीमती राधा रानी, उनकी चरण की हमें किंकरी बना दो, उनकी चरण की हमें दासी बना दो, हैं? कृष्ण से केवल हम एक ही चीज कृष्ण से हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए आज हमारी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको 100 नियम दशकम में कहते हैं, हैं? उन्होंने 10 श्लोक लिखे जिसमें 100 नियम, मतलब हमारा क्या नियम है, हमारी निष्ठा किसी में है। वो कहते हैं अगर हमें सुने श्री राधा रानी द्वारका में है, हैं? द्वारका में, राधा रानी कभी द्वारका नहीं जाती है वृंदावन छोड़ करके, लेकिन अगर हमें पता चले श्री राधा रानी द्वारका में है, फिर हम क्या करेंगे, हम पंख लगा करके मन से भी ज्यादा गति से हम श्री द्वारका में पहुंच जाएंगे। लेकिन हम सुनेगा अगर राधा रानी वृंदावन में नहीं है, फिर तो हम वहां नहीं जाएंगे। हम तो वहीं पर जाना चाहते हैं जहां पर श्री राधा रानी की निवास हो, जहां श्री राधा रानी के विद्यमान, हम तो केवल वहीं पर जाना चाहते हैं। इसलिए हमारे जितने गोस्वामी हुए हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप श्री स्वरूप दामोदर, जितने सबके सब गोस्वामी भक्त हुए हैं, हैं? उन लोगों ने केवल एक निष्ठा को दिखाया, श्री राधा रानी चरण की निष्ठा को उन्होंने दिखाया। क्योंकि श्रीमन महाप्रभु कलयुग में क्यों आए थे, उनका आने का मूल रहस्य क्या है, इसलिए कहते रसिक शेखर कृष्ण परम करुण एई दुई हेतु तार लीलाल उद्गम। पहला नंबर है कृष्ण रसिक शेखर है, होने का नाते रसास्वादन करते हैं, और उसको साथ साथ में वो परम करुण, परम दयालु, इसलिए परम दयालु होने का नाते वो जगत में क्या देना चाहते हैं, जिसको श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अनर्पित चरिंचिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्जवल रसांग सोभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदिदित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व सचिनंदन। इसलिए वो ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं, और एक बार आकर क्या प्रदान करते हैं, वो जो ब्रज प्रेम है, हैं? वो जो राधा रानी की जो निकुंज की जो सेवा है, कहते राधा प्रेम को नहीं देते हैं, कहते उसका जो श्री, मतलब इसका जो सुंदरता, कहते वो क्या है, राधा रानी की जो पाल्यदासी भाव को देने के लिए महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में जगत में एक बार आते हैं, और श्री राधा रानी की चरण की सेवा को महाप्रभु श्री प्रदान करते हैं। इसलिए आज हमारी श्री आराध्या देवी श्रीमती राधा रानी की आज जन्मतिथि है, हैं? आज श्री जन्मतिथि, जब किसका जन्मतिथि होता है ना, वो बड़े प्रसन्न रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, हैं? बड़े खुश रहते हैं, इसलिए उनको जो कुछ मांगो वो क्या करते हैं, वही चीज़ दे देते हैं, जो कुछ मांगो वो वही चीज़ दे देते हैं। इसलिए हम सब के सब श्री राधा रानी के चरण में क्या प्रार्थना करेंगे, उनकी दासियों की, दासियों की, दासियों की, दासी की, दासी अगर हम बन जाए तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए कहते राधा रानी के जो महिमा है, कहते ऐसे कोई पुराण नहीं, ऐसे कोई उपनिषद नहीं, ऐसे कोई वेद नहीं
जहां पर राधा रानी की महिमा नहीं है। इसलिए बताए वेदे रामायण चैव पुराणे भारत तथा आद्या बंते च मध्य च राधा सर्वत्र गीयते। मतलब वेद पुराण उपनिषद सारे ग्रंथ में आद्य, आद्य मतलब पहले, मध्य मतलब बीच में, अंत मतलब लास्ट में केवल एक ही महिमा है, किसकी? राधा सर्वत्र गीयते, सब जगह में श्री राधा 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 रानी, राधा राधा रानी के नाम सब जगह में श्री राधा रानी के नाम मिलेगा। इसलिए कहते वेदों में, इसलिए कोई कोई कहते वेद में राधा रानी का नाम किया कहाँ है, हमारे गोस्वामी लोग दिखाते हैं बहुत जगह में राधा रानी का नाम है, हैं बोले श्यामम छवलम प्रपदे, छवलम श्यामम प्रपदे, ये वेद का मंत्र है, हैं कहते श्री जो राधा रानी हैं कृष्ण को साथ में रहते हैं और कृष्ण श्री राधा रानी को साथ में रहते हैं, इसलिए दोनों दोनों से कोई अलग नहीं रहते। और कहते वहाँ पर राधा नांग पति राधा साम हैं, इसलिए राधा नाम राधा याम, इसलिए वहाँ पर अलग 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 जो शब्द में राधा रानी का नाम को, वहाँ पर अलग अलग रूप में राधा रानी का नाम को लेते हैं, इसलिए वेदों में भी श्री राधा रानी का नाम है। बोले उपनिषद में कहाँ राधा जी का नाम है, हैं इसलिए कहते गोपाल तापनी उपनिषद में बताया, वहाँ पर बताया कृष्णेन आराध्यत इति राधा, कृष्णम समारायत इति राधा, ये गोपाल तापनी उपनिषद में कहते हैं। इसका मतलब है राधा का मतलब क्या, बोले कृष्ण ने आराध्यत इति राधा, इसलिए उनका नाम राधा है, कृष्ण जिनको आराधना करती हैं, कृष्ण जिनको आराधना, कृष्ण स्वयं जिनकी आराधना करती हैं, इसलिए वृंदावन में सेवा कुंज में सेवा कुंज नाम क्यों पड़ा। इसलिए रसखान कहते हैं बोले वेद में ढूंढो पुराण गायन, वो परम ब्रह्म परात पर तत्व को मैंने वेद में ढूंढा, पुराण में ढूंढा, उपनिषद में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। बोले कहाँ मिले, बोले उनको ढूंढते ढूंढते जब वृंदावन में गए ना वहीं मिले। बोले वृंदावन में कौन सा स्थान पर मिले, बोले सेवा कुंज में मिले। बोले क्या करते हुए मिले, बोले बैठ पैलट राधिका पायन, इसलिए हम इसी रूप में देखा राधा रानी के चरण की सेवा करते हुए परम ब्रह्म मिले, हैं इसी रूप में वहां पर भगवान मिलते हैं। इसलिए कहते हैं बोले कृष्ण, कहते कृष्ण ने आराध्यते इति राधा, हाँ जो कृष्ण जिनकी आराधना, कृष्ण स्वयं जिनकी आराधना करते हैं, इसलिए जिसमें कहते ना स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पल पद पल मुदारम, इसलिए कवि जयदेव गोस्वामी जिस समय ये गीति गोविंद ग्रंथ लिख रहे थे, हैं तो उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से दर्शन किया। बोले दिव्य दृष्टि से क्या देखा है, उन्होंने ये देखा किसी समय राधा कृष्ण दोनों बोले हमें इसी जगह पर मिलेंगे, लेकिन अभी कृष्ण आ रहे थे राधा रानी से मिलने के लिए, इतने में चंद्रावली सखी बीच में मिली और कृष्ण को पकड़ करके अपना कुंज में ले लिया, और राधा रानी की जो तोता ने देख लिया है, उनकी तोता देख लिया, उसने जा करके राधा रानी को बोले हे राधे तुमने आज जो इतने सुंदर कुंज बनाया है, जो कुंज बनाया, जो इतने तुमने श्रृंगार की है अपना शरीर को, सब बेकार हो गया। बोले क्यों बेकार हो गया, बोले कृष्ण तो बीच से किडनैप हो गए, बोले उनको किडनैप किया किसी ने, बोले उनको चंद्रावली बीच में आकर उनको किडनैप करके उनको कुंज में उनको ले गए, बस इतने में राधा रानी तो दुखी दुखी हो गई, राधा रानी वो दुखी दुखी राधा रानी हो गई है। इतने में जब फिर कृष्ण बड़े लेट में आते हैं, लेकिन राधा रानी को पता कृष्ण चले गए हैं, कहाँ पर चले गए, चंद्रावली के पास में। जब कृष्ण आए फिर राधा रानी बोले ये बताओ आप इतने लेट में क्यों आए हो, बोले हे राधे कृष्ण झूठ बोल देते हैं, हैं कहते हे राधे मैं तो जल्दी जल्दी आ रहा था, लेकिन क्या हुआ बीच में ना
एक तमाल वृक्ष देखा और देखा उस वृक्ष में एक माधवी लता है, वो वृक्ष के ऊपर एक माधवी लता को चढ़ा हुआ। बोले तमाल स्वरूप कौन है? बोले कृष्ण। बोले ये माधवी लता स्वरूप कौन? बोले राधा रानी। तो मैंने ना वो लता को देखकर तेरा याद आ गया, मतलब मैं और तुम दोनों का जैसे मिलन है, उसको देख करके याद आ गया ना, मैं तो रास्ता में बेहोश हो गया था। लेकिन राधा रानी को पता ये झूठ बोल रहे, मतलब पक्के झूठे हो हैं, कहते बेहोश हो गया था और होश आया तो आए इतने। लेकिन जब चंद्रावली से मिले थे कृष्ण को प्यार में, उनकी सिंदूर लग गया था, हाँ जो सिंदूर लगाते, ये बोले पैर में ये लाल दाग कहाँ से आ गया? बोले आते आते रास्ता में ना कांटा चुभ गया, ये खून निकल गया था। इतने में तो राधा रानी को इतने क्रोध आया बोले तुमको जहां से आए वहीं चले जाओ, हे नील रोहित है, हे नील रोहित, नील मतलब कृष्ण रंग नील है, रोहित मतलब चंद्रावली से मिले सिंदूर लग गया, इसलिए नील रोहित तुम जहां से आए वहीं चले जाओ, यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं है। इतने में श्री श्याम सुंदर बहुत कोशिश किया, बोले हे राधे मान जाओ, मेरे अपराध को माफ कर दो, अपराध को माफ कर दो, इसलिए मैं अपना सर को तुम्हारे चरण में रख लेता। कभी जयदेव जब उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से लीला को देखा, ये कहते ये संभव कैसे है, कृष्ण तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का नायक है, हैं ये तो सर्व कारण का कारण है, पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण है, वो कैसे बोल सकते हैं राधा रानी तुम्हारी चरणों को सर पर दे दो, ये कैसे संभव है? राधा रानी उनकी सेविका, राधा रानी बोलेगी हे श्याम सुंदर तुम्हारे चरण मेरे सर पर दे दो। आज तो भगवान कृष्ण उल्टा गंगा बह रहे हैं, ये संभव कैसे है? इसलिए वो लिख नहीं सके पेन को, वो पेन को उन्होंने वहीं पर रख दिया, पेन को वहीं पर धर दिया और गए अपना पत्नी पद्मा से बोले मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं। जब जा गए इतने में कृष्ण उनका रूप धारण करके आ गए। बोले पद्मा रास्ता में एक पद याद आ गया, भूल नहीं जाऊं, मेरे को थोड़ी सी कापी दो, उसको मैं लिख करके जाता हूं। उनकी पत्नी पद्मा ने वो कापी दिया, जो शब्द को वो लिख नहीं सके हैं कवि जयदेव, कृष्ण स्वयं अपना हाथों से सोने की अक्षर में लिख कर गए देही पद पल्लव मुदारम, मतलब हे राधे तुम्हारी जो चरण है ना अत्यंत उदार चरण है, तुम बड़ी दयालु हो, बड़ी कृपालु हो, करुणा कुरुमयी करुणा भरिते, तुम अपना चरण को मेरे सर पर रखो। उनने स्वयं पद को पूरी करके गए। जब थोड़ी देर बाद में कवि जयदेव आते हैं, पत्नी ने पूछा आप तो बड़े जल्दी आ गए हो। बोले जल्दी कहाँ, मैं तभी गया था अभी आ रहा। बोले नहीं अब तो बीच में आए थे। बोले पद याद आ गया, आप कापी दो लिख करके जाता हूँ। बोले मैं तो आया ही नहीं। बोले कापी को लाओ। कापी को लाए तो देखा जिस पद को लिख नहीं सके कृष्ण स्वयं अपना हाथों से उसको लिख कर गए। इतने में कवि जयदेव पत्नी को चरण में गिर गए। तो कितने सौभाग्यवती हो, वो और कोई नहीं थे, वही छलिया हैं, वही कृष्ण थे, जो पद को मैंने लिख नहीं सका वो अपना हाथों से आकर के लिख कर गए। क्यों राधा रानी हमसे कोई अलग है ही नहीं, हम तो एक ही है, हम तो एक ही है, केवल लीला रस का आस्वादन करने के लिए हम केवल दो बने, इसलिए हम कोई दो नहीं, हम एक ही है, हैं? इसलिए यहाँ पर कहते हैं इसलिए उनका नाम राधा है। बोले कृष्ण न आराध्यत इति राधा, कृष्ण भी जिनकी आराधना करते हैं। और बोले कृष्णम समाराधयति इति राधा, राधा का दूसरा अर्थ क्या है? बोले राधा रानी जिन कृष्ण को आराधना करती है, कृष्ण राधा जी को आराधना करते हैं और श्री राधा रानी क्या करते, कृष्ण को आराधना करती है, श्री राधा रानी भी आराधना करती है श्री कृष्ण को। इसलिए राधा रानी की जितने चेष्टाएं हैं, जितने राधा रानी की चेष्टाएं, सारी चेष्टा क्या है, हम कृष्ण को कैसे खुश करें, कृष्ण को
हम खुश कैसे करें। बोले एक समय श्री वृषभानंद महाराज और नंद बाबा में बहुत मित्रता है, हैं? जब इनके घर में कोई उत्सव हो, वृषभानंद महाराज को नंद बाबा बुलाते हैं, जब नंद बाबा का घर में उत्सव हो तो वो कभी उनको ही बुलाते हैं, दोनों दोनों को बुलाते रहते हैं। मित्र है ना, दोनों ब्रज में दोनों ही राजा है। एक दिन श्री वृषभानंद महाराज ने श्री नंद बाबा को निमंत्रण दिया, आज हमारे घर में आपका भोजन है। जैसे कोई राजा, दोनों राजा है ना, अगर एक को बुलाएगा हम क्या करते, कोशिश करते हैं बढ़िया से बढ़िया खाना बनाए, हैं? बढ़िया से बढ़िया खाना बनाए जैसे खुश हो जाए। अभी राधा रानी जब छोटी बची थी, कभी दुर्वासा ऋषि घर में आए, राधा रानी दुर्वासा की बड़ी सेवा की, दुर्वासा संतुष्ट होकर के वरदान दिया, बेटी तुम अमृत हस्ता बनोगे, जो कुछ खाना तुम्हारे हाथ में बनेगी वो अमृत बनेगी, हैं? क्योंकि उनको पता है ये श्री श्याम सुंदर का शक्ति है, अगर ये बढ़िया खाना बनाएगी तो श्याम सुंदर, हाँ, कृष्ण भोजन करेंगे, इसलिए आशीर्वाद दिया। श्री राधा रानी का हाथ का जो खाना है सबसे बढ़िया खाना है, हैं? इसलिए कृष्ण राधा जी के हाथ बगैर किसके हाथ की खाना नहीं खाते हैं। इसलिए नियम है, जब हम कोई खाना बनाए, रसोई बनाए, किस भाव से, हम रसोई नहीं बना रहे हैं, रसोई कौन बना रही है? राधा रानी। हम तो केवल मदद कर रहे हैं, इसलिए नियम है जब रसोई बनाने के लिए जाओ पहले राधा रानी के चरणों में प्रणाम करके जाओ, हे राधे श्याम सुंदर तो तुम्हारी हाथ के सिवाय किसी के हाथ खाना नहीं खाते, इसलिए आशीर्वाद दो। जैसे आप बनाओगे तो आप ही हो, हम तो केवल आपको मदद करेंगे, आपको हम मदद करेंगे, इसी भाव से रोसे बनानी चाहिए, नियम है इसी भाव से रोसे बनानी चाहिए। अभी राधा रानी को द्वारा उन्होंने क्या किया, राधा रानी को वृषभानंद महाराज उनको जावड़ से बुलाई, बोले राधे आज हमारे घर में नंद बाबा आ रहे हैं, मैया जसोदा आ रही हैं, श्याम सुंदर भी आएंगे, और उनको सारे ग्वाल बाल दाम वसुदाम मधुमंगल स्तो कृष्ण लबंग सारे सखा लोग आएंगे, तुम आज आकर के खाना बना। तो राधा रानी आकर के बढ़िया बढ़िया खाना बनाए, कितने तरह का खाना राधा रानी बनाए, जिसको भक्त विनोद ठाकुर वो भजन में गाते हैं, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, उसी भजन में सब गाते हैं राधा रानी क्या क्या खाना बनाती हैं। अभी राधा रानी खाना बनाई और बोल दिया, देखो नंद बाबा और श्री मैया जसोदा को कृतिका सुंदरी वृषभानंद महाराज परसोगे, उनको प्लेट उनको खाना खिलाएंगे, कृष्ण और उनका सखा को राधा रानी और उनकी सखियां खाना खिलाएगी, हैं? अभी कृष्ण किसका हाथ को खाना खाते थे, बोले श्री मैया रोहिणी और मैया जसोदा, ये दोनों खाना हर समय बनाते हैं, इनके हाथ का खाना खाते हैं, लेकिन आज श्री राधा रानी जो सही बनाई वो तो अमृत हस्ता है। जब राधा रानी एक एक चीज श्याम सुंदर को सखाओं को प्लेट में दे रहे थे ना, कृष्ण तो एक एक बार खा खा करके बोले हमने जीवन में कभी इतना सुंदर खाना नहीं खाया, खाना तो हमने जीवन में बहुत खाए हैं लेकिन इतने स्वादिष्ट इतने मीठा खाना हम तो कभी जिंदगी में कभी नहीं खाए, हैं? और एक एक को खा खा करके ना कृष्ण एकदम तृप्त हो रहे थे, ये खाना नहीं जैसे ये अमृत है, हाँ ये अमृत है खाना। और राधा रानी एक स्पेशल लड्डू बनाती हैं जिसका नाम मनोहर लड्डू है, जिस लड्डू में है काजू पिस्ता किशमिश और बढ़िया बढ़िया गोंद एक चीज होता है, वो मुंह में बढ़िया टेस्ट लगता है, उसको दे करके बनाती हैं। कृष्ण एकदम खाने को लास्ट में वो लड्डू खाते हैं, इसलिए भक्ति मोहन ठाकुर कहते हैं ना, हैं, इसलिए कहते हैं बगल बजाए आर दे हरि बोल, हैं, इसमें कहते हैं छाले बले लाडू खाए श्री मधु मंगल बगल बजाए आर दे हरि बोल अजभा कतबासला श्री गौर हरि। भक्त मोहन ठाकुर कहते हैं कृष्ण वो लड्डू खाकर क्या करते हैं, अपना दोस्तों को देते, देखो कितने सुंदर लड्डू राधा रानी बनाए,
और जो मधुमंगल खाता है ना वो ब्राह्मण थोड़ा ज्यादा मीठा प्यार, वो इतने खुश हो जाता है ना, इतने खुश होता है बगल मतलब क्या बढ़िया बनाया, हाँ बगल मतलब क्या सुंदर बनाया, एकदम खुश हो जाते हैं। कृष्ण जब वो लड्डू खाए ना राधा रानी हाथ की, उनने सारा दुनिया को भूल गए, बोले क्या लड्डू बनाए। जब उन्होंने वापस आए अपना घर में, अभी मैया जसोदा रोहिणी खाना बनाती है, जब उनको खाना देती है ना, कृष्ण और रुचि रुचि करके नहीं खाते हैं, कृष्ण और अच्छे से नहीं खाते हैं। कहते मैया हम जब गए थे ना वृषभानु महाराज घर में, उसी दिन जैसे खाना बनाए था ना, ऐसे बनाओ ना। इतने में मैया कहते मैं तो बढ़िया से बढ़िया बनाती हूँ। बोले नहीं मैया, उसी दिन जैसे खाना खाए थे ना, इतना बढ़िया नहीं तुम्हारी खाना है, ऐसे बनाओ। अभी मैया की एक ही बेटा है, अगर बेटा अगर खुश होकर नहीं खाएगी, अरे मैया को आनंद नहीं लगता है, मेरे बेटा कमजोर हो रहा है, क्यों अभी खाना ठीक से खा नहीं रहे। वो कह रहे ऐसे खाना खिलाओ। फिर मैया जसोदा क्या करती हैं, सुंदर सुंदर अलंकार, सुंदर सुंदर वस्त्र को भेजती है कहाँ, श्री राधा रानी को पास में है जावट में। इसका लोभ दे करके, अलंकार वस्त्र की लोभ दे करके कहते राधा रानी को भेज दो, यहाँ पर खाना बना करके जाएगी। राधा रानी रोज जावट से आती हैं, कहाँ आती हैं, नंदगांव आती हैं, और कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर भोजन बना करके, कृष्ण के लिए भोजन बना करके जाती हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते जो राधा रानी है, राधा रानी जब कृष्ण के लिए रसोई बनाती है, वहाँ पर झरखा है, झरखा है। जब कृष्ण को खाना देते हैं ना, कृष्ण जब खाना खाते हैं, राधा रानी वहीं से देखती है, वहीं से देखती है कृष्ण कैसे खाना खा रहे हैं। आप देखना, जैसे कोई बढ़िया खाना हो, बढ़िया खाना हो, को आप जब खाओगे ना, मुंह का चेहरा बदल जाता है ना, क्या बढ़िया खाना खिलाए, बढ़िया खा। इसलिए राधा रानी वो झरखा से देखती हैं, कृष्ण कितने खुश होकर खा रहे, मैंने ये खाना को इतने बढ़िया बनाया, इतने सुंदर करके बनाया, कृष्ण खुश होकर खाते कि नहीं। और राधा रानी वहीं से देख देख करके, राधा रानी बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है, मैंने जो इतने कष्ट करके बनाया, बनाना हमारी सार्थकता हो गया। इसलिए गोपाल तापनी उपनिषद में कहते हैं, इसलिए उनका नाम राधा है, बोले कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, कृष्ण को जो आराधना करती है, सेवा करती है, ये श्रीमती राधा रानी। कहते श्री बृहदारण्य उपनिषद में बोले सब नैव रम नैव रमते स द्वितीय में छत। जब भगवान ने देखा एक स्वरूप को द्वारा मैं लीला नहीं कर सकता हूँ, सह द्वितीय में छत, तो उन्होंने दूसरे रूप में श्री राधा रानी रूप में प्रकट हुई। उनका बाम अंग से राधा रानी और डान अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए। बोले क्यों, कहती जो दोनों हैं, बलदेव प्रभु कौन है, इसलिए हम लोग कहते हैं हमारे गुरु जी कौन है, हमारे गुरु जी कौन है, गुरु जी के हम दो स्वरूप मानते हैं, एक स्वरूप मानते हैं ये बलदेव प्रभु का प्रकाश विग्रह है, अभिन्न नित्यानंद तत्व है, और दूसरे स्वरूप मानते हैं राधा रानी की अत्यंत अत्यंत ये प्रिय सखी। इसलिए हम गाते हैं ना, निकुंज जो न रति के लिए सीधे जा जाली भी जोक्ति रापेक्षणिया तत्रादिदाक्षा दति वल्लभाश्चा वंदे गुरा श्री चरणारविंद। इसलिए गुरुदेव कौन है, राधा कृष्ण की जो निकुंज लीला में उनकी सेवा करने में जो बहुत एक्सपर्ट है ये एक गुरुदेव। और दूसरे स्वरूप में गुरुदेव कौन है, कहते श्री नित्यानंद प्रभु का अभिन्न प्रकाश श्री गुरुदेव है, अभिन्न गुरु तत्व से नित्यानंद प्रभु प्रकाश है। और ये जो दोनों हैं, कहते सेवा की मूर्तिमान स्वरूप है। इसलिए बलदेव प्रभु क्या करते हैं, दस शरीर से और पंच रसों से कृष्ण सेवा करते हैं, और राधा रानी क्या करती है, संपूर्ण कृष्ण सेवा में अपना को, संपूर्ण कृष्ण सेवा में लगा देती है श्रीमती
राधा रानी, इसलिए गुरु जी की ये दो स्वरूप है। इसलिए कृष्ण ही अपना सेवा को शिक्षा देने के लिए इसलिए उन्होंने ये दो रूप में प्रकटित हुए हैं, श्री बलदेव रूप में और दूसरे स्वरूप में श्री राधा रानी के रूप में प्रकटित होकर के कृष्ण सेवा की शिक्षाओं को ये प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं रास से प्रकट हुई, इसलिए उनका पहला अक्षर हो गया रा, और प्रकट होते ही सुंदर सुंदर पुष्पों को ले चयन करके कृष्ण सेवा के लिए दौड़े, इसलिए उनका नाम हो गया रा और धा नाम हो गया। बोले रा का मतलब क्या? बोले भक्ति। बोले धा मतलब जो सब जीवों को भक्ति प्रदान करती है, क्योंकि राधा रानी के बगैर, इसलिए बोले राधा रानी कौन है? बोले श्री भक्ति देवी श्री राधा रानी। इसलिए बोले भक्ति क्या करती है? बोले भक्ति रे भाई बनाती, भगवान तक जीव को कौन पहुंचाती है? बोले भक्ति मतलब राधा रानी। बोले भक्ति रे भाई वह दर्शयती, भगवान को दर्शन कौन कराती है? भक्ति हैं, भक्ति ही भगवान के पास में लेने वाले, दर्शन करना कराने वाले और प्राप्ति कराने वाले, भक्ति ही सब कुछ कराने वाली है, हैं? ये भक्ति की कृपा के बगैर, राधा रानी की कृपा के बगैर कुछ भी करना असंभव है। इसलिए सारा दुनिया को कृष्ण आनंद देते हैं, लेकिन कृष्ण को कौन आनंद देती है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए बृहदारण्य उपनिषद में ये बात बताए, इसलिए छांदोग्य उपनिषद है और दूसरे उपनिषद में बताया रस बैस रसम झवायाम लब्ध्वा आनंद भवती। बोले कृष्ण कौन है? बोले रस बैस मतलब कृष्ण पूर्ण रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण, सारे रसों का ये मूर्तिमान है, सारा दुनिया को आनंद प्रदान करने वाले कौन है? बोले कृष्ण। लेकिन ऐसा जो आनंद देती, सारा दुनिया को जो आनंद देते हैं, लेकिन अगर कृष्ण को आनंद कौन देती है? श्री राधा रानी इनको आनंद देती है। इसलिए ऐसे कोई उपनिषद नहीं जिस उपनिषद में श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं। कहते पुराण को ढूंढो, हर पुराण में तो राधे 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 राधे, सब पुराण में राधा रानी का नाम, सारे पुराण में भी राधा जी का नाम है। इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ पुराण है कहते श्रीमद् भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण ये सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत। आप भागवत देखो, इसलिए किसी किसी का मत है अरे भागवत में तो कृष्ण परक ग्रंथ है, कृष्ण का ही दशम स्कंध है, पूरा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लेकिन हमारे टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहते नहीं, भागवत कृष्ण परक ग्रंथ नहीं, भागवत राधा परक ग्रंथ श्री भागवत है, राधा परक ग्रंथ है। बोले कैसे कैसे? अंडरस्टैंड? ये राधा परक ग्रंथ है ये भागवत। तो उन्होंने उदाहरण दिए है, कहते भागवत ग्रंथ का नाम क्या है? बोले श्रीमद भागवतम है। बोले श्रीमद मतलब क्या है? बोले श्री मतलब होता है श्रीमती राधा रानी है, बा शोभा है, बा लक्ष्मी। बोले मूल लक्ष्मी कौन है? बोले श्री राधा रानी। मद मतलब किया? बोले प्रेम। हम कहते ना भैया मदमस्त हो गया, मतवाला बन गया, शराब पी करके मतवाला बन गया, इसलिए मतवाला बन गया। कहते उसी तरह कहते ये श्रीमद भागवत क्या है? बोले राधा रानी जब कृष्ण प्रेम रूपी शराब को पान करती है, हाँ शराब क्या करता है? धीरे 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 नशा को उतरता है, लेकिन कृष्ण भक्ति रस रूपी शराब पियो ना उतरेगा नहीं, बढ़ेगा वो नशा, बढ़ेगा वो नशा, बढ़ेगा वो नशा, उतरने वाले नहीं वो बढ़ने वाले नशा है। इसलिए कहती है भागवत नहीं श्रीमद है। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम में जब वो दीवानी बन करके जो बोलती है कहती है श्रीमद भागवत है। इसलिए भागवत क्या? राधा रानी प्रेम है, भागवत ने वो राधा रानी अपना प्रेम को जीवों को ये प्रदान करती है, इसलिए इसका नाम श्रीमद भागवतम। इसलिए प्रश्न है फिर भागवत में राधा जी की, अगर डायरेक्ट अगर भागवत पढ़ो ना आपका कहीं भी राधा जी का नाम सुनने को देखने को आप कहीं नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब गोस्वामी को टीका को माध्यम से पढ़ेंगे
फिर तो भागवत में राधा रानी को छोड़कर और कोई बात है ही नहीं, केवल राधा ही राधा ही राधा ही राधा ही राधा केवल वहां पर है प्रश्न है। फिर उन्होंने डायरेक्ट क्यों नहीं दिया? तो हमारे टीकाकारों ने इसको पीछे बड़ी बड़ी रहस्य बताए। पहला कारण कहते हैं कि श्री भागवत का पहला टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी हुए, और श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं जब श्री सुखदेव गोस्वामी एक बार श्री राधा रानी का नाम को ग्रहण करते थे, बोले राधा नाम उच्चारण मात्रेण सड़म मार्सी की मूर्छा भवे, एक बार राधा नाम लेते ही वो 6 महीना तक बेहोश हो जाते थे। उन्होंने देखा हमें 7 दिन में पूरी कथा सुनानी, अगर हमने एक बार राधा जी का नाम लेकर के 6 महीना तक अगर बेहोश हो गए, फिर भैया राधा जी का नाम कहाँ सुनाएंगे हैं, फिर भागवत कैसे कथा सुनाएंगे। इसलिए उन्होंने श्री राधा रानी का नाम को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। पहला कारण है क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी कौन है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनीना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। कहती है कोई साधारण तोता नहीं, कहते प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, कहते राधा रानी की ये प्रिय सुख है, हैं राधा जी की ये प्रिय सुख होने का नाते राधा रानी कभी अपना हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाया करती थी, बोलती तो बोलो तो कृष्ण कृष्ण, और सुख भी बोलता था बड़ी मीठी मीठी कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कभी बोलते तो बोलते राधे राधे, वो भी बड़े मीठी मीठी बोली से बोलते थे राधे राधे बोलते थे। इसलिए ये तोता कोई साधारण तोता नहीं, बोले प्रिय चुंबने न, कभी कभी श्री राधा रानी अपना चुंबन करते थे तोते को। चुंबन करने पर क्या होगा, राधा रानी की जो अधरामृत है वो तोते को मुंह में लगा हुआ है। इसलिए जब भागवत कथा हो रही थी वहां पर सुखदेव गोस्वामी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिता बैठे हुए थे, ये तो सबसे कम उम्र के बच्चे, छोटे बच्चे, नंगे धड़ेंगे, शरीर में कपड़े ही नहीं है, लेकिन वहां पर उन कोई 100 साल कोई 2 साल 5 साल 1000 साल के बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए थे, लेकिन कथा सुने तो इनके मुख से क्यों सुने? कारण है श्री प्रिय चुंबने न, राधा रानी इनको चुम्बन करती थी। चुम्बन करने पर क्या होगा, राधा रानी की जो अधरामृत है वो तोते के मुंह में लगा हुआ, तोते के मुंह में लगा हुआ। और राधा रानी कौन है, बोले राधा रानी सख्यात रस स्वरूपिणी, आनंद स्वरूपिणी, भक्ति स्वरूपिणी। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं वैदग्ध सिंधु रसमूर्ति कृपायक सिंधु वात्सल्य सिंधु रमृत छविकेल सिंधु श्री राधी के स्फुरत में रसकेल सिंधु। राधा रानी साधारण नहीं, कर जैसे एक स्त्री, जैसे एक स्त्री कपड़े को साथ में, जैसे पानी में स्नान करो, स्नान करके अगर किसी कपड़े में जाओगे तो क्या होगा, देखना कपड़े का पल्लू से पानी झरता है, अगर एकदम पानी में डूब करके जाओगे तो क्या होगा, कपड़े का पल्लू से पानी झरती है। कहते उसी तरह श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम रस सिंधु में जब स्नान करते हुए जब राधा रानी चलती हैं, कहते उनका पल्लू से क्या भरती है, कृष्ण प्रेम के बिंदु झरती रहती है। इसलिए बोले वैदग्ध सिंधु, जैसे 7 समुद्र है, इखु समुद्र, लवण समुद्र, मधु समुद्र, दही समुद्र, शराब का समुद्र है, वहां पर घी का समुद्र, ऐसे 7 समुद्र है। कहते श्रीमती राधा रानी में ये सारे समुद्र विद्यमान, राधा रानी विदग्ध का सिंधु, वात्सल्य सिंधु, कृपा की सिंधु है, रसमूर्ति सिंधु, सारे को जो सिंधु श्रीमती राधा रानी में सारे सिंधु विद्यमान, श्री राधा रानी में विद्यमान। इसलिए राधा वो शब्द को उल्टा दो क्या होगा, धारा। इसलिए ये राधा नहीं, कृष्ण प्रेम रस की ये धारा है, हाँ ये धारा, धारा मतलब स्ट्रीम, इनकी धारा है श्रीमती राधा रानी। इसलिए इनके मुख से सुने क्यों, क्यों उनकी जो ठोंड में श्री राधा रानी के अधरामृत लगा हुआ, इसलिए वो जो कथा है बड़ा सुंदर कथा, बड़ी मीठी कथा थी, बड़ी मीठी कथा थी। और दूसरा कारण है कहते सुख मुखात अमृत द्रव संजित, जो सुख है जो सुखदेव गोस्वामी
कहती राधा रानी की एक प्रिय सखी भी है। ये निकुंज लीला में ये राधा जी की एक सखी, अगर राधा जी की सखी अगर कोई कथा सुनाएगी फिर तो मीठा मीठा ही होगी, हाँ वो मीठा मीठा ही होगी। इसलिए कहते श्री सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट रूप में नियम है अपना गुरु जी की अपना आराध्य देव की जहां तहां नाम को नहीं लेनी चाहिए। इसलिए उन्होंने राधा रानी का नाम को उन्होंने छुपा करके लिया है, हाँ छुपा करके लिया, लेकिन भागवत की कण कण में श्री राधा जी का नाम समाया हुआ है। इसलिए दूसरा उदाहरण देते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी राधा रानी से प्रश्न किया, बोले हे राधे आपका नाम को हम किस रूप में ग्रहण करें। राधा रानी खुद कहती हैं मेरे नाम को स्पष्ट रूप में नहीं लेना, लेना तो मेरे नाम को छुपा करके लिया करो, हैं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप में नहीं लिया राधा जी का नाम। इसलिए चौथा तीसरा कारण बताए, जैसे मेहंदी पत्ता, जानते हो मेहंदी पत्ते जो हेना पत्ता है, हाथ में लगाए कभी कभी, और पत्ते का रंग कैसे है देखे हो, हरा है पत्ता का रंग, हरा, लेकिन वो हरा नहीं है, वो क्या है, लाल, लेकिन ऊपर से क्या देखती हैं, हरा हरा, लेकिन उसको पिसो देख तब भी हरा हरा लगेगा, लेकिन जब हाथ में लगा दोगे ना जब वो सूख जाएगी देखना पूरा हाथ लाल 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 हो जाता है, पूरा हाथ लाल हो जाता है। कहते तो उसी तरह भागवत ग्रंथ को ऊपर से देखेगा हरा 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 कृष्ण 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 कृष्ण, लेकिन जब अंदर में झांक करके देखोगे ना वो हरा हरा नहीं, वो राधे 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 दिखेगा, वो लाल 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 दिखेगा, बोले राधे राधे राधे, बोले इसको पीसो, बोले पीसना मतलब क्या, बोले साधन करो, साधन करोगे तो भागवत में केवल श्री राधा रानी का नाम सर्वत्र दिखेगा और कुछ उसको दिखेगा नहीं। इसलिए इसका चौथा कारण होता है, हाँ, कि जैसे एक नदी, नदी का पानी सब पी सकते हैं, जानवर पी सकते हैं, चिड़िया पी सकते हैं, इंसान सब नदी का पानी पी सकते हैं, लेकिन जो कुएं में जो पानी होना वो कुएं का पानी सब नहीं पी सकते हैं। कुएं का पानी कौन पी सकता, जिसको पास में कोई रस्सी और कोई पात्र हो वही कुएं का पानी पी सकता है। बोले मतलब क्या, बोले जो कृष्ण भक्ति जैसे बहता हुआ नदी, कृष्ण भक्ति तो सब कर सकते हैं, हैं सब करेंगे, लेकिन जो राधा जी की जो भक्ति है दुर्लभ है, ये भक्ति सभी नहीं पा सकते। बोले कौन प्राप्त कर सकता है, रस्सी पात्र हो, मतलब जब तक कोई रस्सी की परंपरा से हम नहीं जुड़ेंगे तब तक ये राधा जी की भक्ति हमें नहीं मिल सकती है। इसलिए हमें किसी रस्सी की परंपरा से ही जुड़ करके जाना पड़ेगा तभी वो मिल सकता है, ठीक है ना। इसकी बहुत तात्पर्य बताए भागवत में राधा जी का नाम कहाँ है, क्यों नहीं है, तो किस रूप में, हम आगे धीरे धीरे सुनेंगे, ठीक है। फिर आप लोगों को ऑफिस जाना पड़ेगा, इसलिए बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानु महाराज नंदिनी की, बोले श्री वृषभानु महाराज की, बोले कीर्तिका सुंदर की, बोले श्री अष्ट सखी की, अष्ट मंजरियों की, श्री प्रभुपाद की, सपरिकर गौर हरि की, बोले श्री गुरुपाद पद्म की, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ हरे राम हरे राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कथा आ रही है कि नहीं, उसको भेज दिया फेसबुक पे।